नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंकी गुप्ता है। पिंकी की तस्वीर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नारियल की बर्फी बनाने जा रही हूँ, जो बिना किसी मावा के बनके तैयार होगा। बिल्कुल हवाई स्टाइल है खाने में। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। नारियल की बर्फी बनाने के लिए बहुत ही थोड़े से इन्ग्रीडियंट्स की जरूरत है। जैसे कि मैंने एक नारियल ले लिया है और पौने एक कटोरी मैंने चीनी ले लिया है। चीनी अपने अनुसार लीजिएगा, किसी को ज़्यादा मीठी पसंद है तो ज़्यादा ले सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये मैंने इलायची कूट के रख लिया है, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपको नारियल इलायची की टेस्ट अच्छी लगती है तो आप यूज़ कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं गैस को ऑन करती हूँ। पैन रख रही हूँ, थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, और ये मैं चीनी डाल रही हूँ। मैं देख लेती हूँ, पानी थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी मैं। आँच को तेज कर दे रही हूँ, इसे भी गलने के लिए छोड़ दे रही हूँ। तब तक मैं इस नारियल को कट करके पीस लेती हूँ। चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, ये चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो इसमें मैं बस ये नारियल मैंने पीस के लाया वो इसमें मैं डाल दे रही हूँ। मिला लेती हूँ। गैस को बिल्कुल धीमा रखिएगा। ये देखिए नारियल की बर्फी, अब लग रहा है कि ये मुझे जम जाएगी अच्छे से। तो मैं इसमें थोड़ा सा, मैंने जो पीस के रखा था इलायची पाउडर वो मैं थोड़ा डाल देती हूँ इसमें। ये अब मैंने बोला कि मावा नहीं डालूंगी, बट मैंने ये दूध की मलाई रखी थी तो मैं इसको थोड़ा दूध की मलाई मिक्स कर देती हूँ, जिससे इसमें मावा का टेस्ट बिल्कुल आ गया है। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये देखिए लग रहा है कि ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ गई है, तो मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। तक मैंने एक थाली लिया है, उसमें एक ऑयल की मैंने ऑयल को ऑयल डिस्पेंसर में डाला था, तो मैंने उस खाली पतली को ही मैं बिछा दे रही हूँ। इससे क्या होता है, ग्रीस नहीं करना पड़ेगा और ये मेरा अच्छे से निकल जाएगा। अब मैं इसे खाली कर देती हूँ। ये देखिए मैंने इसको इसमें खाली कर लिया और अच्छी तरह सेप देते हुए इसको मैं चारों तरफ से, ये देखिए ईजी भी हो जाता है चौकोर बनाना। ये देखिए, और इसे हमारी थाली भी गद्दी नहीं होती है और फटाफट निकल भी जाता है। ये मैं इसको सेव दे दिया चौकोर से। अब ये थोड़े ठंडे होने के बाद मैं इसको कट करूंगी। नारियल की बर्फी ठंडी हो गई है, अब मैं इसे कट करने जा रही हूँ। ये देखिए कितने परफेक्टली ये कट रही है। इसे मैं डायमंड के शेप में कट कर देती हूँ। ये देखिए डायमंड के, ये नारियल की बर्फी कितने अच्छे से तैयार हुई है। ये देखिए इसकी थिकनेस कितनी सॉफ्ट। इसको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए नारियल की बर्फी कितनी परफेक्ट बनके तैयार हुई है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे आप जरूर बना के ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि कैसी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।